पाठन पवित्रा के ई पाठन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब मिलकर मैथ्स के लिए कुछ फ्लैश कार्ड बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने कुछ कलर पेपर लिया है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर फ्लैश कार्ड बनाऊंगी। आप किसी भी शेप के फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। तो मैंने जो पेपर लिया है, मैं सबसे पहले उसको इस तरीके से मोड़ दूंगी और इस तरीके से मैं उसको आधा कर लूंगी। इसी तरह से सभी को मैं मोड़कर आधा कर लूंगी। अगर आपका पेपर ज़्यादा पतला है तो आप इसी तरीके से इनको ऐसे मोड़कर और यहाँ पर पंच करके आप अपना फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। अगर आपका थोड़ा हार्ड पेपर है तो आप इनको बीच से काटकर और दो फ्लैश कार्ड भी एक में से बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपने फ्लैश कार्ड्स को इस तरीके से काट लिया है। अभी मैं इन पर कुछ डिजिट लिखूंगी। हम लोग 0 से 9 तक डिजिट लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इन पर कुछ नंबर लिख लिए हैं। अभी मैं एक पंचिंग के हेल्प से इसमें कुछ छेद कर लूँगी। आप अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर पेंसिल या और भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करके इसमें इस तरीके से गोल छेद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 कर रही हूँ। हम लोग 1 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से क्या होता है, ये हमारा फ्लैश कार्ड ऐसे घूमता रहता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 2 कर रही हूँ। इस तरीके से अभी मैं कुछ थ्रेड लूंगी और मैं इसमें इस तरीके से डालूंगी। यहाँ पर मैं एक गांठ लगा दूंगी ताकि ये ज़्यादा हिले नहीं, और ऐसे ही मैं इसको इधर से एक गांठ लगा दूंगी। इस तरीके से अगर हम लोग अपने फ्लैश कार्ड बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम बिना थ्रेड के भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2 ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के साथ जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आता है इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, और ये बहुत मुड़ता रहता है। जब बच्चे कई बार क्या होता है, अपना हम लोग करा रहे होते हैं और बच्चे डिजिट के ऊपर ही हाथ पकड़ कर ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम उनके गले में इस धागे को डाल देते हैं और ये डिजिट हमारा एज इट इज़ सीधा हुआ रहता है। तो इसीलिए हम इस थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। अभी मान लीजिए हमें बच्चों को स्थानीय मान सिखाना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए मुझे स्थानीय मान सिखाना है और मैं बच्चों को पूछ सकती हूँ कि 0 का स्थानीय स्थान कहाँ पर है, पहले स्थान पर है, तो ये हमारा हुआ इकाई, ये हुआ हमारा दहाई और ये हुआ हमारा सैकड़ा।
तो इस तरीके से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को बच्चों को सिखा सकते हैं। धन्यवाद।